हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 है सोशलिज्म यानी समाजवाद। यानी इस चैप्टर में हम समाजवाद से रिलेटेड जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो इस लेक्चर में हम सोशलिज्म से रिलेटेड 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ द सोशलिज्म, सेकंड डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म, थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ द सोशलिज्म यानी पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म का जो इवोल्यूशन है, जो उसका विकास है वो किस तरह से हुआ, और उसके बाद से देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया यानी भारत में सोशलिज्म का जो इवोल्यूशन है, विकास है, वो कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म जो है वो एक इंग्लिश वर्ड से डिराइव किया गया है, सोशलिज्म, ठीक है। सोशल इंग्लिश वर्ड है और सोशलिज्म भी इंग्लिश वर्ड है, या फिर सोशल, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इक्वालिटी। यानी सोशलिज्म का मीनिंग क्या है कि इक्वालिटी यानी जो समानता है वो एस्टैब्लिश करना, ये इसका मीनिंग है। वर्ड मीनिंग, लिटरल मीनिंग की बात करें, सोसाइटी में ईच एंड एवरी लेवल पे, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, मॉरल हो, फिजिकल हो, यानी सबको क्या मिले, इक्वालिटी एस्टैब्लिश की जाए, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशलिज्म में। तो सोशलिज्म इज ए कम्प्लीट अकम्प्लिशमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ये किसने कहा था? ये कहा था नॉर्मन थॉमस ने, ठीक है। नॉर्मन थॉमस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सोशलिज्म इज ए कम्प्लीट अकम्प्लिशमेंट फॉर डेमोक्रेसी। यानी कहीं पे भी यदि हम लोकतंत्र इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें क्या अचीव करना होगा? सोशलिज्म यानी इक्वालिटी यानी समानता, ठीक है। सोशलिज्म इन मीन्स ऑफ अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक मीन्स, यानी सोशलिज्म का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ऐसे डेमोक्रेटिक जो मीन्स है, साधन है, उसको अडॉप्ट करें, और किस लिए करें? टू सेटअप द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, ताकि सोसाइटी में इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस का जो सिस्टम है उसको हम सेटअप कर सकें, एंड मेंटेन इंडिविजुअल डिग्निटी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोटेशन। और इसके साथ ही इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो डिग्निटी है उसको हम मेंटेन करें और उसको किसी भी तरह के एक्सप्लोटेशन से बचाया जा सके। इसका कहने का मतलब ये है कि सोशलिज्म का मीनिंग क्या है कि हम डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू सोसाइटी में इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को मेंटेन करें, ताकि इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, जो उसका रेस्पेक्ट है, सेल्फ इस्टीम है, वो मेंटेन रहे, और इसके साथ साथ किसी भी एक्सप्लोटेशन से उसे बचाया जा सके। क्लियर? इट इज़ ए सोशो इकोनॉमिक फिलॉसफी। सोशो इकोनॉमिक फिलॉसफी का मतलब क्या है कि सोसाइटी में ये ईच एंड एवरी पर्सन को इकोनॉमिक लेवल पे इक्वल स्टैब्लिश करना चाहता है। यानी जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्शन है, उस पर ईच एंड एवरी पर्सन की क्या होनी चाहिए? इक्वल अथॉरिटी होनी चाहिए, इक्वल उसके अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इन दिस अरेंजमेंट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइज विद द कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी। यानी इस अरेंजमेंट में जब सोशलिज्म होगा तो उसमें जो ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, जो भी सोसाइटी में प्रॉपर्टी है उसकी जो ऑनरशिप है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर किसका कंट्रोल होगा? सोसाइटी का कंट्रोल होगा। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म। यानी सोशलिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जब एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं, तो एंशिएंट पीरियड में सबसे पहले जो सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो ग्रीक स्टोइक फिलॉसफी में देखने को मिलता है, जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल के थ्रू सोसाइटी में इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, ठीक है। मिडिवल पीरियड की बात करें तो मिडिवल पीरियड में हमें जो सोशलिस्ट जो आइडियाज़ हैं वो थॉमस मूरे की जो बुक है यूटोपिया, उसमें देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलते हैं कि इन्होंने अपनी बुक में एक आइडियल सोसाइटी के बारे में क्या लिखा है? लिखा है, ठीक है। इन्होंने एक आइडियल सोसाइटी है वो इस्टेब्लिश करना चाहती थी, और उस आइडियल सोसाइटी को उन्होंने क्या नाम दिया था? यूटोपिया। और यही उन्होंने अपनी बुक में लिखा, और ये बुक इन्होंने कब लिखी है? 1516 में। अब मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं। इन द 17th सेंचुरी बीकन डिस्क्राइब सोशलिस्ट थॉट इन हिज बुक न्यू अटलांटिस। उसके बाद से बीकन ने अपनी बुक न्यू अटलांटिस में सोशलिस्ट थॉट्स यानी सोशलिस्ट जो विचारधारा है उसको डिस्क्राइब किया है। उसके बाद जब माइलस्टोन की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, ये सोशलिस्ट जो आइडियालॉजी है उसमें एज ए माइलस्टोन काम करता है।
और इस रिवॉल्यूशन में इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये जो विचारधारा है वो आती है, और इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इस्टेब्लिश करना चाहती है सोसाइटी में, स्वतंत्रता, समानता और ब्रदरहुड, भाईचारा। इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म थिंकर्स नेमली ब्लैंकी, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन टॉक्ड अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। इन्होंने भी अपने जो आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, उनमें सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की है, और ये जो भी कैपिटलिज्म के जो भी फ्लॉज हैं, जो भी इसमें ड्रॉबैक हैं, जो कमियां हैं, उन सबको क्या करना चाहते हैं, एलिमिनेट करने की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियसनेस। यानी जो ह्यूमन है वो खुद ही इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है कि वो अपने आप ही कैपिटलिज्म के जो ड्रॉबैक है उसको क्या कर लेगा, एलिमिनेट कर लेगा। इस तरह से ये थिंकर्स हैं, वो समाजवाद यानी सोशलिज्म की जो आइडियालॉजीज है उसको डिस्क्राइब किया है इन्होंने। 19th सेंचुरी की बात करें तो प्रूदो है, और प्रूदो ने क्या कहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एज थेफ्ट, यानी उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कहा है, चोरी कहा है। इन इज बुक व्हाट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी उनकी एक बुक थी व्हाट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कहा है, थेफ्ट कहा है। ये प्रूदो है पॉलिटिकल थिंकर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स है रिगार्डिंग द सोशलिज्म जो हमें याद रखना है कि प्रूदो ट्रीटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज थेफ्ट, यानी प्रूदो ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कहा है, चोरी कहा है इन हिज बुक व्हाट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। आगे चल के बाकुनिन और जितने भी दूसरे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने अनार्किस्ट को फेवर किया है, और अनार्किस्ट क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एंड ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट को क्या करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, यानी स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए ताकि सोसाइटी में क्या इस्टेब्लिश की जा सके, सोशलिज्म यानी इक्वालिटी यानी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। यानी कैपिटलिज्म जब से, जैसे कि हमने देखा कि स्टार्टिंग में जब स्टेट का ऑरिजिन होता है तो किस बिहाफ पे होता है, ऑन द डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी क्या कहती है कि जो गॉड है उन्होंने स्टेट को इस्टेब्लिश किया है और किंग को क्या बनाया है, इसका रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए किंग पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो जो किंग है वो क्या हो जाता है, डेस्पोटिक हो जाता है। तो उस कंडीशन से ओवरकम करने के लिए जो लिबरलिज्म आइडियालॉजी है वो आती है, जो इंडिविजुअल को क्या प्रोवाइड करती है, फ्रीडम प्रोवाइड करती है, फ्री मार्केट प्रोवाइड करती है। तो जब फ्री मार्केट या फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है तो कौन सी कंडीशन आ जाती है, कैपिटलिज्म आ जाता है। कैपिटलिज्म यानी सोसाइटी जो है वो दो क्लास में डिवाइड हो जाती है, एक रिच क्लास और दूसरा क्या है, कॉमन या फिर पुअर क्लास। अब इस कंडीशन से ओवरकम करने के लिए, निकलने के लिए जो आइडियोलॉजी है वो कौन सी डेवलप होती है, सोशलिज्म। क्लियर। तो ये बाकुनिन है, और ये बाकुनिन क्या करना चाहते हैं, ये एंड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, यानी स्टेट का एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए ताकि सोसाइटी में जो इक्वालिटी है वो इस्टेब्लिश की जा सके, इकोनॉमिक एंड सोशल। अब अनार्किस्ट क्या होता है, एनार्की इज द स्टेट ऑफ सोसाइटी बीइंग फ्रीली कॉन्स्टिट्यूटेड विदाउट अथॉरिटीज और ए गवर्निंग बॉडी। सोसाइटी की वह अवस्था है जिसमें जो भी स्टेट में जितनी भी गवर्निंग बॉडीज होगी या जो भी बनी हुई बॉडीज हैं वो सब क्या होती है, फ्री होती है, यानी उस पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, यानी जितने भी सोसाइटी के लोग होते हैं वो टोटली जितने भी ये हिराकी हैं या जितने भी कंट्रोल हैं या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं उन सबको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो ये था अनार्की सिस्टम, ये है अनार्की सिस्टम जो कि स्टेट का एग्जिस्टेंस को बिल्कुल भी फेवर्ड नहीं करता है। और ये जो अनार्की वर्ड है सबसे पहले 1539 में यूज़ किया गया था, और उसका मीनिंग होता है एन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट यानी सरकार का क्या चाहती है, सरकार को अबॉलिश करना चाहती है विद इन द स्टेट। तो समय के साथ जो दूसरे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं लाइक जॉर्ज बनराड, जी डी कॉल, जॉर्ज सॉरेल, ठीक है, ये सोशलिज्म की दूसरी स्ट्रीम्स जो हैं उसकी जो टाइप्स हैं उनको डेवलप करते हैं, लाइक फैबियन सोशलिज्म, सिंडिकलिज्म एंड गिल्ड सोशलिज्म। क्लियर। उसके बाद से बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने भी सिस्टमैटिकली जो प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म है उसको रिप्रेजेंट किया है इन इस बुक है, और उनकी बुक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने तीन बुक का नाम पढ़ा, एक थॉमस मूरे की बुक है यूटोपिया जो कि 1516 में पब्लिश हुई थी, फिर नेक्स्ट बुक है न्यू अटलांटिस और न्यू अटलांटिस किसकी बुक है, बेकन की, और उसके बाद से हमने बात की है प्रूदो की बुक का नाम है व्हाट इज प्रॉपर्टी, जिसमें कि उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कहा है, थेफ्ट कहा है, यानी चोरी की संज्ञा। इसके बाद से जो बाकुनिन है उन्होंने अनार्किस्ट यानी एंड ऑफ द स्टेट की बात कही है। फिर हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, और कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में सोशलिज्म की जो प्रिंसिपल है, जो उसके सिद्धांत है, उसको सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट किया है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स जिनका नाम हमें याद रखना है।
तो जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण वहाँ पे एक न्यू अर्बन लेबर क्लास है वो डेवलप हुआ, ठीक है, उसका जन्म होता है, बर्थ होता है। तो जिसके कारण से इंग्लैंड में ही सबसे पहले जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, और इसलिए इंग्लैंड इज़ कॉल्ड द होम ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। इंग्लैंड को क्या कहते हैं? होम ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। क्लियर? सबसे पहले जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है ब्रिटिश लोगों ने, यानी ब्रिटिश पीपल ने अडॉप्ट की थी, क्यों की थी? ड्यू टू देयर यूनिक नेचर एंड फेथ इन वैल्यू, कि उनका जो नेचर है वो यूनिक है, यानी सबसे अलग है, और उनको वैल्यूज़ में क्या रहता है? फेथ रहता है, यानी वैल्यूज यानी इक्वालिटी या जो भी फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर द नोटेबल थिंकर्स हु हैव ऑल्सो एक्सप्रेस देयर व्यूज ओवर सोशलिज्म, यानी समाजवाद को लेकर इन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस किए हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म, यानी समाजवाद की जो कुछ परिभाषा हैं, जो डेफिनेशन है, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स, यानी जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स है सोसाइटी में, उसका क्या करना है? डिसेंट्रलाइजेशन करना है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स या सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। एंड एस्टैब्लिश ऑफ ए जस्टिस सिस्टम बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पीपल नॉट बाई फोर्स इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और इसके साथ ही सोसाइटी में जो जस्टिस है वो सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, और जस्टिस सिस्टम कैसे होगा? बाई फोर्स नहीं होगा, बाय द म्यूचुअल कॉन्सेंट, यानी आपसी सहमति से होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यानी सोशलिज्म तो हमें लाना है, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करना है, लेकिन उसको किसके थ्रू करना है? थ्रू द म्यूचुअल कॉन्सेंट, यानी आपसी सहमति से, लोगों की जब सहमति से होगा तो उसे क्या कहा गया है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और इस तरह से जो जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं इंडिया में, और इन्होंने डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। ही सेड सोशलिज्म इज नॉट ओनली ए वे ऑफ लाइफ बट ए साइंटिफिक अप्रोच टू सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी सोशलिज्म है वो सिर्फ एक वे ऑफ लाइफ ही नहीं है, इसके साथ साथ वो साइंटिफिक अप्रोच है जिससे सोसाइटी की जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सकता है। ही वॉज कन्विंस्ड दैट नो डेमोक्रेसी कुड सक्सीड विदाउट डेवलपिंग सोशलिज्म पैटर्न, और वो इस बात को मानते थे कि जब तक हम सोशलिज्म पैटर्न को डेवलप नहीं कर लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर लेंगे, तब तक कोई भी डेमोक्रेसी है वो सक्सीड नहीं कर सकती, यानी सफल नहीं हो सकती। यानी किसी भी कंट्री में जिस डेमोक्रेसी को हमें इस्टेब्लिश करना है, उसे सक्सीड करना है, तो इसके लिए वहाँ पे सोशलिज्म जो पैटर्न है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी सोसाइटी में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स हैं उसको इस्टेब्लिश करना होगा थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन्स, जो कि हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी है। सेकेंड है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि सोशलिज्म हैज एक्सेप्टेड द कॉमन गोल्स ऑफ कम्युनिज्म इकोनॉमिक गोल्स, यानी कम्युनिज्म के इकोनॉमिक गोल्स हैं। कम्युनिज्म क्या कहता है? कि ओनरशिप ऑफ सोसाइटी ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जिनसे भी उत्पादन होता है, उस पर ऑनरशिप किसकी होनी चाहिए? सोसाइटी की होनी चाहिए। और इस और क्यों होनी चाहिए? ताकि जो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किया जा सके। एंड नेशनल गोल की बात करें, यानी राष्ट्रीय जो हित हैं, जो लक्ष्य हैं, वो ऑब्जेक्टिव हैं, तो इन नेशनल इंडिपेंडेंस हो, डेमोक्रेसी हो एंड ह्यूमन राइट्स हो। द एम ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज टू एस्टैब्लिश हारमोनी बिटवीन दीज टू, और जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसका एम क्या है? कि इन दोनों के बीच में जो हारमोनी है, यानी कार्डियल जो रिलेशन है, वो इस्टैब्लिश किए जाए। यानी जो इकोनॉमिक गोल्स हैं कम्युनिज्म के, यानी ऑनरशिप ऑफ सोसाइटी ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ में नेशनल इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो क्या इस्टैब्लिश होगा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट डेफिनेशन जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, ठीक है, इनकी बात करते हैं। टू हिम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज ए सिस्टम टू ब्रिंगिंग द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट इनटू प्रैक्टिस, यानी उनके लिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब है? यानी हमारे इंडिया वाले जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इस्टेब्लिश करना चाहा है, उनके लिए ये एक सिस्टम इज ए सिस्टम टू ब्रिंगिंग द प्रिंसिपल, यानी ऐसा सिस्टम है जो कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट के जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उनको प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन लिबरल सोशल फिलोसफी, यानी लिबरल सोशल फिलोसफी यानी इंडिविजुअल है उसको क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन,
क्लियर। द सोशलिज्म सीक्स टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस बाय अडॉप्टिंग द डेमोक्रेटिक पाथ। तो सोशलिज्म का मीनिंग क्या है कि जो भी सोसाइटी है उसमें डेमोक्रेटिक पाथ यानी कॉन्सेप्ट ऑफ द पीपल के बिहाफ पे जो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस है वो एस्टैब्लिश करना यानी लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स के थ्रू, तो दैट इज नोन एज सोशलिज्म, उसको कहते हैं समाजवाद। द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ दिस आइडियोलॉजी। द डिग्निटी, और ये क्यों किया जाए, ताकि किसी भी इंडिविजुअल यानी जो भी पर्सन है उसकी डिग्निटी, उसका जो भी रेस्पेक्ट है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके और उसके साथ साथ ही उससे सोशल जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जा सके। ये इस आइडियोलॉजी के क्या है, फाउंडेशन है, बेस है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, यानी इंडिया में जो सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, जो हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसको उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो हम पहले से जानते हैं कि जो इंडिया में जो सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजीज है, जो प्रिंसिपल है, वो हमारे जो नेशनल मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, उसके साथ ही क्या हो गया था, शुरू हो गया था। फर्स्ट टाइम जो वर्ड या प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म है ये कब देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है इन द 1929 का कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है। इट वॉज पुट ऑन रिकॉर्ड, सबसे पहले ये बताया गया दैट पुअर कंडीशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट ओनली टू द एक्सप्लोटेशन बाय फॉरन रूलर्स, यानी जो इंडिया की जो पुअर कंडीशन है वो इसलिए नहीं है कि हमें जो फॉरन रूलर्स हैं यानी ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, बट ऑल्सो ड्यू टू इल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है वो कैसे हैं, वो ख़राब हैं। एंड टू ओवरकम इट इज़ नेसेसरी दैट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस शुड बी मेड एट ए ग्रेट पेस, और इस कंडीशन से ओवरकम होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने जितने भी सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हैं उन्हें एक बड़े ही ग्रेट लेवल पर क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। ऐसा कहा गया था फर्स्ट टाइम इन द 1929 कांग्रेस का लाहौर सेशन, और ये सेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सेशन में जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने कंप्लीट स्वराज्य का जो स्लोगन है वो दिया था। तो जब 1929 में लाहौर सेशन हुआ उसमें जो प्रपोजल रखा गया उस प्रपोजल को अप्रूवल कब मिली थी, कराची सेशन में, और कराची सेशन कब हुआ था, 1931 में। उसमें एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट में क्या कहा गया था, इफ़ वी वांट टू हैव रियल नेचुरल फ्रीडम स्वराज फॉर द कॉमन मैन इट्स मीनिंग इज नॉट हिडन इन गेटिंग ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम बट टू गेट द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑल्सो फॉर द पीपल ऑफ द नेशन। यदि हम वाकई में फ्रीडम यानी स्वराज को ऑप्टेन करना चाहते हैं फॉर द कॉमन मैन, तो इसका मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम ही मिले, पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए फॉर द पीपल ऑफ द नेशन, यानी जब तक हमारा देश तभी आज़ाद होगा कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ क्या क्या मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, तभी हम जो नेचुरल फ्रीडम है, स्वराज है, उसको क्या करेंगे, अचीव कर सकते हैं, ऑप्टेन कर सकते हैं। और इस तरह से जो कराची जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1931 में, उसके साथ जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज है उसको अडॉप्ट किया गया था कि इंडिया में सोशलिस्ट जो डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। फर्दर गांधी जी इस्टैब्लिश सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेज एंड इंडियन आइडियल्स, जो गांधी जी सोशलिज्म इस्टैब्लिश करना चाहते थे वो इंडियन आइडियल्स और इंडियन सर्कमस्टांसेज पे वो था, इस्टैब्लिश था। When the revolutionary movement were adopted to get freedom, at that time many great leaders spread and the spirit of socialism among the Indians to get aware of its value. और जब revolutionary movement हो रहा था यानी national movement चल रहा था for the freedom, तो उसी समय जितने हमारे जो political leaders हैं, जो revolutionary थे, वो पूरे Indian में जो सोशलिज्म की जो स्पिरिट है उसको भी क्या कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, ताकि वो इसके वैल्यू को, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ सकें, उससे अवेयर हो सकें। और जो प्रोमिनेंट लीडर हैं वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये वैसे ये वो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, जिन्होंने कि अपनी आइडियोलॉजी में सोशलिज्म को इम्पोर्टेंस दी है। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सिचुएशन और द प्रेजेंट कंडीशन। तो प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो जो सोशलिज्म जो आइडियोलॉजीज है वो आज की आइडियोलॉजीज नहीं है, ये ब्रिटिश रूल के साथ ही थी और आज भी चली आ रही है। और ईच एंड एवरी पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, वो सोसाइटी में, इंडिया में क्या इस्टेब्लिश करना चाहती है, सोशलिज्म इस्टेब्लिश करना चाहती है, उसको सपोर्ट करती है। पर प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें तो आज भी जो है वो सोशलिज्म को परफेक्ट फॉर्म में इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है।
इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो क्या है कि रीज़न बिहाइंड दिस सिचुएशन इज दैट देर आर मैनी लैप्सेस एंड डिस्पैरिटीज प्रिवलेंट इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। और मेन रीज़न क्या है कि अभी भी आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश में इंडिया में जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज है उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का उसमें बहुत सारे डिस्पैरिटीज एंड लैप्सेज है, बहुत सारी कमियाँ हैं। तो उन सारी कमियों को दूर करके हम सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है यानी सोसाइटी में जो भी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वी कैन इस्टेब्लिश। तो सर इस तरह से हमने मेजर जो आइडियोलॉजीज हैं कैपिटलिज्म है की बात की, कम्युनिज्म की बात की, लिबरलिज्म की बात की और सोशलिज्म की बात की। तो इन चारों आइडियोलॉजीज को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म जो सोसाइटी है या कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी है क्या है? एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ए कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ऑनर्स फॉर प्रॉफिट रादर दैन बाय द स्टेट। यानी इसमें जितने भी ट्रेड होता है या जितना भी ऑक्यूपेशन होता है, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? थ्रू द प्राइवेट ऑनर्स, यानी प्राइवेट ऑनर्स के यानी इंडिविजुअल के थ्रू होता है। यानी इसमें फ्री ट्रेड जो कंडीशन है होती है और ये किस लिए होती है? टू अर्न द मोर एंड मोर प्रॉफिट। और इसमें जो स्टेट है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कम्युनिज्म के। तो ये थ्योरी और सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल प्रॉपर्टी इज ऑन बाय द कम्युनिटी, यानी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी होती है वो उस पर किसका कंट्रोल होता है? कम्युनिटी का होता है। एंड ईच पर्सन कंट्रीब्यूट एंड रिसीव अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड नीड्स। और इसमें हर पर्सन को जो भी इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज होते हैं, जो प्रोडक्शन होता है या फिर अपॉर्चुनिटी होती है, उसकी एबिलिटी और नीड्स के अकॉर्डिंग क्या होती है? मिलती है। यानी कम्युनिज्म जो है वो ईच एंड एवरी जो प्रॉपर्टी है उस पर किसका कंट्रोल होता है? कम्युनिटी का, यानी गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, स्टेट का। क्लियर? अब लिबरलिज्म आता है। लिबरलिज्म कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में लिबरलिज्म आइडियोलॉजी डेवलप होती है और ये क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल और इसी के साथ जो कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्न एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, मॉरल और पॉलिटिकल फिलॉसफी है, लिबर्टी यानी आज़ादी देना चाहती हैं और इसके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्न एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, यानी स्टेट का कंट्रोल होता है, लॉ होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड वे में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशलिज्म की। ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच एडवोकेट दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज शुड बी ऑन्ड और रेगुलेटेड बाय द कम्युनिटी एज ए होल। यानी ये एक ऐसी थ्योरी है या आइडियोलॉजी है जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन या उनके एक्सचेंज पे जो कंट्रोल है वो किसका चाहती है? कम्युनिटी का, यानी सोसाइटी का। सोसाइटी के हाथों में ओवरऑल कंट्रोल होना चाहिए उसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे एंड एक्सचेंज पे। सो दीज आर द मेजर आइडियोलॉजीज और इन आइडियोलॉजीज को आप अच्छे से समझें क्योंकि बार बार में जो आइडियोलॉजीज है वो हमारे चैप्टर्स में आएंगी। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इस टॉपिक से रिगार्डिंग यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू शॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।